आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। हम पूछना चाहते हैं रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था? जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, वहीं बिहार में भी अपराध का कम नहीं हुआ है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं और कहते हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सख्त है और यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और बीती शाम एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको दिल दहला देगी। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई। पुनाईचक स्थित इस इलाके में उनकी हत्या की गई है। इसको लेके लगातार सियासी गर्मा गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें क्या कुछ कहा ये जानते हैं। कल जो हत्याकांड हुआ है, इसके हम लोग जो है मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द जो है हत्यारा पकड़ा जाए। लेकिन आप लोग देखे होंगे, हमने लगातार हर बार एक बात जरूर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं। जब तक सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, फिरौती, रेप, गैंग रेप, व्यवसायिकों की हत्या, उनसे रंगदारी जब तक सैकड़ों की संख्या में नहीं हो जाती है, तब तक नीतीश कुमार जी और उनकी डबल इंजन की सरकार को चैन से नींद नहीं आती है। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है और हम बार बार कह रहे हैं ये सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद यह है कि विपक्ष सवाल उठाता है लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में है, खुद सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री चुना, चोर दरवाजे से सरकार में आए और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिसके बिहार में अब तक दो दो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए। दो उप मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही है और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा। क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था? जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज, युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? कहाँ गायब हैं? उनको तो अगर सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के सुशासन बाबू और या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ बीजेपी पे हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ सुशासन बाबू नहीं, जंगल राज चल रहा है। वह सीएम नीतीश कुमार को यहाँ तक कह गए कि वह किसी काम के मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।